नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं एक खास कार्यक्रम के साथ में, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए। जी हां दोस्तों, कन्या राशि का 2022 वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, ग्रहों का गोचर, ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा, कैसे परिवर्तन लेकर आएगा, क्या बदलाव आएंगे, कैसी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी 2022 में, नेगेटिव और पॉजिटिव, सभी विषय पर दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा। सभी विषय पर, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम प्यार, आपका वैवाहिक जीवन, आपका भाग्य, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, ये सब कैसा रहेगा 2022 में, कहां पर आपको सावधानी रखनी है, कैसे आपको अपने ऊपर अपने लाइफ में बदलाव लेकर आना है, ये सभी कुछ आज हम जानेंगे दोस्तों। तो आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है, लेकिन वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपके समझ में कुछ नहीं आता और जल्दबाजी में सब कुछ निकल जाता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत, कैसा रहेगा कन्या राशि का 2022 वर्ष। दोस्तों 2022 में तीन बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तीन बड़े ग्रह। सबसे पहले राहु देव 12 अप्रैल को वृषभ राशि से मेष राशि में चले जाएंगे, फिर ठीक अगले दिन 13 अप्रैल को 2022 में देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे, फिर अप्रैल में 29 अप्रैल को शनि देव कहां से, मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब क्या बदलाव आएगा चलिए जानते हैं। आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। राशि के मालिक बनते हैं बुध ग्रह, फिफ्थ हाउस में रहेंगे शनि के साथ में, आपके फोर्थ हाउस में रहेंगे दोस्तों सूर्य के साथ में शुक्र, आपके थर्ड हाउस में रहेंगे केतु के साथ में मंगल, और नाइन्थ हाउस में रहेंगे राहु शुरुआती समय में। चलिए अब जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। राशि के मालिक बुध ग्रह पंचम में है, ठीक है, फिर सिक्स्थ हाउस में जाएंगे, फिर मारक भाव में जाएंगे सेवंथ हाउस में, फिर एट्थ हाउस में जाएंगे, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो चार महीने हैं, ये थोड़ा बहुत आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखकर चलना होगा। दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है और एक ही है कि आपको मैं जो भी मुझे दिखता है, जैसा भी मुझे दिखता है, मैं आपको अवेयर करूं, अच्छा बुरा सब कुछ बता सकूं। बुध ग्रह छठे घर में जाएंगे, छठा घर रोग का, सेवंथ हाउस मारक भाव, एट्थ हाउस भी रोग का ही माना जाता है, हॉस्पिटल्स का माना जाता है 6, 8, 12, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्च अप्रैल के टाइम पे उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं, खासकर किन चीजों में, अपने स्किन से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, कहीं ना कहीं एकदम से हेडेक होना, एकदम से एंग्जाइटी होना, ये आपको देखा जा सकता है। लेकिन वहीं जून जुलाई के बाद से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा देखा जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें आपकी शिक्षा कैसी होगी, आपकी एजुकेशन कैसी होगी, फिफ्थ हाउस होता है एजुकेशन का, समझने का भी प्रयास करें कन्या राशि वालों, समझने का प्रयास करें। पंचम भाव होता है एजुकेशन का, पंचम भाव में बैठे हैं शनिदेव अपने ही घर में, अपने ही घर में बैठे हैं, तो शिक्षा को खराब करेंगे, सोचिए, स्वयं सोचिए, शिक्षा को खराब नहीं करेंगे। फिर अप्रैल में जाएंगे छठे घर में, तो शिक्षा अच्छी देखी जाएगी आपकी, राहु देव की दृष्टि पड़ रही है अभी अप्रैल में, वो भी नहीं पड़ेगी, तो यानी कि अप्रैल के बाद से आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई अति उत्तम, बहुत अच्छी देखी जाएगी। एक चीज और कहना चाहता हूं, कुछ कन्या राशि वाले एमबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं, इंजीनियरिंग, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सर्विसेज, और साथ में हमारा मेटल कोई पार्ट्स है, कोई लोहे से रिलेटेड कोई पार्ट्स है, कोई आपका बिजनेस है डेली इनकम का, वो आपके लिए काफी अच्छा देखा जाएगा और पढ़ाई आपकी काफी शानदार रहेगी, खासकर अप्रैल के बाद। वही कुछ पूछना चाहते हैं कि हमारा प्रेम प्यार कैसा होगा 2022 में,
दोस्तों एक बात मैं आपको विशेष कहना चाहता हूँ, प्रेम प्यार अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपकी वजह से होगी, आपकी वजह से होगी। जी हाँ, क्योंकि आपका मन डाइवर्ट हो सकता है जल्दबाजी, जल्दबाजी यानी कि आपने मन में अपने मन में आपको कंट्रोल नहीं होगा। एक के साथ में रिलेशन में हो लेकिन फिर भी आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, फिर भी आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है क्योंकि राहु देव एट्थ हाउस में होंगे, देव गुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस में होंगे अप्रैल के बाद में। यानी कि प्रेम प्यार तो अच्छा रहेगा लेकिन बिना वजह के डाउट्स और बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग आपको परेशानी कर सकती है। और खासकर कब, एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, खासकर कब यह होगा दोस्तों, जुलाई अगस्त के बाद से। जुलाई अगस्त के बाद आपको अपने प्रेम प्यार पे विशेष ध्यान देना होगा। अभी आपका वैवाहिक जीवन, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का। 7th हाउस में कौन जाकर बैठे हैं? देव गुरु बृहस्पति चले जाएंगे 13 अप्रैल को। दोस्तों 13 अप्रैल 2022 से पहले आपकी मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं, ठीक है? यानी कि आपको अपने वैवाहिक जीवन पे ध्यान देना है 13 अप्रैल से पहले। लेकिन उसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में चले जाएंगे अपने घर में, बहुत अच्छा, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा देखा जाएगा 13 अप्रैल के बाद। यानी कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी कंफ्यूजन थी, जो भी एक दूसरे को लेकर तनाव थे, जो भी एक दूसरे को लेकर शत्रुता थी, वो सब कुछ धीरे धीरे चलकर अप्रैल के बाद से, एकदम से चमत्कार नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे चलकर अप्रैल के बाद से सही होता हुआ देखा जाएगा। और अगर कुछ अपने वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स में चल रहे हैं, किसी कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, किसी इल्लीगल चीजों में फंसे हुए हैं, तो वो भी अप्रैल के बाद धीरे धीरे बाहर निकलते हुए देखे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आ जाते हैं प्रिय दोस्तों, भाग्य। अगर भाग्य साथ होता है तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं होती। भाग्य अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होता है। कैसा होगा आपका भाग्य 2022 में? क्या कहते हैं नवग्रह और सितारे? भाग्य के मालिक बनते हैं आपके कौन? शुक्र देव। और कर्म क्षेत्र के मालिक बनते हैं बुध ग्रह। शुक्र देव दोस्तों कहां रहेंगे शुरुआती समय में? सूर्य के साथ में धनु राशि में, 4th हाउस में। फिर आपके 10th हाउस, फिर आपके पंचम भाव में आएंगे। शुरुआती समय में जनवरी फरवरी में आपका भाग्य अच्छा होगा। मार्च के महीने में यानी कि मार्च से लगाकर अप्रैल यानी कि 28 अप्रैल तक, मार्च से लगाकर 28 अप्रैल के बीच में कोई भी, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी नया काम करना चाहते हैं तो मत करिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम भाग्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा। लेकिन 28 अप्रैल को जब शुक्र देव उच्च के हो जाएंगे 7th हाउस में, ठीक है, तब आपका भाग्य अच्छा देखा जाएगा। यानी कि तब आपका भाग्य आपका साथ देगा, उन्नति होगी, प्रमोशन मिलने की संभावनाएं अच्छी हैं। कुछ बिजनेस करते हैं कन्या राशि वाले तो बिजनेस में बढ़ोतरी होगी 28 अप्रैल के बाद से, क्योंकि शुक्र देव उच्च के हो जाएंगे और देव गुरु बृहस्पति भी स्वराशि के होंगे 7th हाउस में। आपकी पार्टनरशिप, आपका डेली इनकम, आपका बिजनेस, आपका कार्य क्षेत्र अच्छा देखा जाएगा। और वहीं जब धीरे धीरे करके शुक्र देव आपके 9th हाउस में आएंगे भाग्य के मालिक होके, वो कब? यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर 17 जून के बाद जब शुक्रदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे आपके भाग्य स्थान में, 17 जून से लगाकर आपका गोल्डन टाइम पीरियड होगा आपके भाग्य को लेकर। ध्यान से समझने का भी प्रयास कीजिए दोस्तों, वीडियो सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता। शुक्रदेव भाग्य स्थान में चले जाएंगे 17-18 जून में 2022 में, तो वो पूरे 2022 का सबसे बेस्ट टाइम पीरियड होगा आपका भाग्य स्थान के मालिक भाग्य स्थान में। फिर 9th हाउस में होंगे, फिर आपके 10th हाउस में जाएंगे, फिर आपके 11th हाउस में आएंगे। यानी कि जून के बाद से, 17 जून के बाद से आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, प्रमोशन मिलने की संभावनाएं अच्छी हैं, नौकरी सर्च कर रहे हैं और काफी टाइम से नहीं मिल पा रही होगी आपको नौकरी, तो जून के बाद तो जरूर मिलेगी। हालांकि आपको शुरुआती समय में मिल सकती है नौकरी लेकिन जून के बाद तो 100% मिलेगी, भाग्य आपका साथ भी देगा। लेकिन इसी के साथ दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिव ये भी है कि राहु देव 8th हाउस में होंगे तो 2nd हाउस पे दृष्टि होगी, यानी कि खाने पीने पे कंट्रोल करना है,
दोस्ती यारी से थोड़ा सा मतलब संभल कर चलना होगा, किसी पे भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट बनाकर नहीं चलना है, अपने पैसे जो आपके पैसे सेव हो रखे हैं, सेविंग है आपकी जो, उस पर ध्यान रखना है, अपने घर परिवार वालों के साथ में अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करना है। तो राहु देव 8th हाउस से होकर 2nd हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, बिना वजह का क्रोध, बिना वजह का एकदम से फैमिली के ऊपर से एकदम से इरिटेट होना, ये प्रॉब्लम कर सकता है। और अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखकर चलना है 2022 में। कैसे लगे आपको दोस्तों वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।